नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ। आज आपको बताऊंगा कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। कल ही मेरे पास मेरे पेशेंट्स का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर हमारी बच्चों की हाइट बहुत कम है, कृपा करके एक वीडियो बनाएं और उसमें बताइए कि बच्चों की हाइट को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि बच्चे की हाइट वाकई में कम है या हमें ऐसा लग रहा है। उसके लिए हम हाइट चार्ट से बच्चे की हाइट को मेज़र करेंगे। अगर उस उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट कम है तब हम उस हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दिखते छोटे हैं लेकिन उस उम्र के हिसाब से अगर हम हाइट को मेज़र करते हैं तो हाइट सही आती है। यदि बच्चे की हाइट कम है तो उसके लिए अब हम क्या करें। सबसे पहली चीज़, बच्चे को रोज़ दूध पिलाएँ। एक गिलास दूध हमें प्रतिदिन बच्चे को देना है, क्योंकि दूध में, आयुर्वेद में दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है। दूध में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, विटामिन डी, विटामिन ए, ई, के, इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर के विकास में सहायक होती हैं, बच्चे की ग्रोथ में सहायक होती हैं। तो रोज़ बच्चे को दूध पिलाएं। दूसरी बात, बच्चे को प्रोटीन युक्त आहार का सेवन कराएं, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। प्रोटीन में आप उसको क्या खिला सकते हैं, उसको आप दालें खिलाइए, बदल बदल कर सारी दालें देना है, स्प्राउट्स खिलाना है, इसके अलावा आपको पनीर खिला सकते हैं, सोयाबीन और मूँगफली। तीसरी बात, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी अवश्य कराएं, जैसे बादाम, काजू, अखरोट। ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है, जो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है, जो बच्चों की हाइट को बढ़ाने में सहायक होता है। चौथी चीज़, बच्चों को पर्याप्त नींद भरपूर लेने दें। पाँचवीं चीज़, विटामिन डी का सेवन बच्चों को कराएँ। विटामिन डी के लिए बच्चों को धूप में बिठाएं, धूप से अच्छा सोर्स विटामिन डी का कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे, ये तो बात हुई कुछ खान पान की, खान पान के अलावा कुछ हमें एक्सरसाइज हैं जो बच्चे को हमें डेली कराना है। प्रतिदिन इन एक्सरसाइज को कराने से बच्चे की हाइट डेफिनेटली बढ़ेगी। पहली चीज़, बच्चे को स्ट्रेचिंग कराना है। स्ट्रेचिंग में हमें क्या करना है, पंजे के बल खड़े होकर अपने हाथों को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और पूरा ऊपर की तरफ खड़े रहना है। जितनी देर तक हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतनी देर तक रहें, फिर धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ हमें नॉर्मल हो जाना है। प्रतिदिन सुबह और शाम 15 से 20 बार हमें ये बच्चे को कराना है। ये सभी एक्सरसाइज कभी भी खाना खाने के बाद ना कराएं, हमेशा खाली पेट कराएं या खाना खाने के एक घंटे बाद कराएं। पहली चीज़ स्ट्रेचिंग, दूसरा है हैंगिंग, मतलब बच्चे को लटकवाना है आपको। घर में ही कोई ऐसी चीज़ बना लें जिससे कि बच्चा रोज़ लटके, या जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस समय उसका जब लंच होता है वहाँ पर स्कूल में जो ग्राउंड होता है वहाँ पर व्यवस्था होती है, आप बच्चे को बोल दें कि वहाँ जाकर बच्चा रोज़ लटकना शुरू करें। सुबह शाम ये वाली एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर करानी है। अगर बच्चे को स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग भी कराइए। चौथी चीज़, रस्सी कूद करवाइए। रस्सी कूद से भी बच्चे की हाइट में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को आपको मिलेगा। पांचवी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आउटडोर एक्टिविटीज़। आजकल यह देखने में आता है कि सभी बच्चे जो हैं केवल मोबाइल्स में लगे हुए हैं और टीवी में लगे हुए हैं, आउटडोर गेम्स सब कुछ बंद हो गए हैं। इस कारण से बच्चे का जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आउटडोर एक्टिविटी कराएं, बच्चे को रनिंग कराएं। अगर गेम्स में उसको कुछ पसंद है तो बास्केटबॉल हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा, बैडमिंटन बच्चा खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है। इस तरह से ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब बातें अगर हम एक साथ करते हैं तो बच्चे की हाइट में डेफिनेटली विकास देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों।